मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ पे इनवाइटेड हूँ। दिलीप जायसवाल जी की ये फिल्म है और संतोष जी डायरेक्टर हैं। संतोष मिश्रा जी से मेरा एक स्पेशल कनेक्शन रहा है। हमारी सबसे पहली फिल्म रही है निरवा रिक्शा वाला, और ये एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को एक बहुत ही उम्दा फिल्म दी है निरवा रिक्शा वाला, और उसके बाद में कंटिन्यूस उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स दी हैं जो कि दर्शक खूब इन्जॉय करते हैं। और एक भोजपुरी सिनेमा जिस पर हमेशा ये लांछन लगता है कि भोजपुरी सिनेमा वल्गैरिटी नोट पर होता है, इस डेफिनेशन से उसको बाहर निकाला है, तो कहीं ना कहीं वो संतोष जी ने निकाला है। निरवा तो उसमें बहुत क्लीन ब्यूटिफुल फिल्म है, और स्क्रिप्ट कई पैमाने पर आप देखेंगे कि हीरो है। हम एक्टर्स को अगर एक अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है तो उसमें परफॉर्म करने के लिए बहुत कुछ मैटर होता है, लेकिन अगर स्क्रिप्ट ही उम्दा ना हो तो पूरे हमारे एफर्ट्स वेस्ट जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि संतोष मिश्रा जी जैसे राइटर्स जब डायरेक्टर बन जाते हैं तो उनका विजन और क्लियर होता है, उनको अपने सपने साकार करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है, और मैंने वो क्वालिटी उनमें देखी है। तो मेरी ढेर सारी शुभेच्छाएँ पूरे टीम को, दिलीप जायसवाल जी को, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने की है और मैं उनकी कई सारी फिल्मों का पार्ट रही हूँ, और हिट फिल्में रही हैं वो बॉक्स ऑफिस पर। तो चाहूँगी कि जिस तरह से दर्शकों ने हर फिल्म को अपना आशीर्वाद दिया है, इस फिल्म को भी दे। और मधुकर जी इसमें म्यूज़िक कर रहे हैं तो सोने पर सुहागा है, और एक्टर्स सरप्राइज पैकेज है, बहुत जल्दी अनाउंस होगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इस फिल्म। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और आज के दिन रक्षाबंधन के दिन सभी भाइयों को बहनों की तरफ से शुभेच्छाएं। थैंक यू सो मेरी एक फिल्म बहुत ही जल्दी आने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद में मैंने एक फिल्म की है अभी वर्मा बिहार वाला, तो उसमें एक किरदार बहुत अलग लगा मुझे, इसलिए मैंने उस स्क्रिप्ट को चूज़ किया। लिमिटेड फिल्में कर रही हूँ, और ऐसी फिल्में कर रही हूँ जो दर्शक चाहते हैं कि अगर मैं करूँ तो उनको कुछ देखने मिलेगा अलग। सो ये एक अलग फिल्म है, ज़रूर देखिएगा आप लोग, और बहुत जल्दी काफ़ी सारी फिल्में आ रही हैं, तो बहुत जल्दी आप लोग देख पाएंगे उसे। जी एक फिल्म मैंने अभी जस्ट कम्प्लीट की है, ब्लैक ट्रुथ, और मैं बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स ओरिएंटेड फिल्म्स पे काम कर रही हूँ फ़िलहाल। ये फिल्म है झारखंड की एक महिला की, और सत्य घटना पर आधारित कहानी है। डायरेक्टर जो है वो डिस्कवरी चैनल पर सक्रिय थे, और उन्होंने इस सब्जेक्ट को मतलब ही केम अक्रॉस दिस सब्जेक्ट, और उन्होंने सोचा कि इसको कहानी का रूपांतरण दिया जाए। बहुत ही टचिंग कहानी है, किस तरह से हमारे एक समाज के एक साइड को हम लोग अनदेखा कर देते हैं, महिलाओं पे अत्याचार होता है और उसकी खबर दूसरे ओर किसी को पता भी नहीं चलती है, लेकिन आज सब लोग सजग हो गए हैं, मीडिया और आप लोग बहुत सपोर्ट किए हैं, इसलिए इन दुष्कर्मों के बारे में लोगों तक एक न्यूज़ जाती है। तो मैंने अपने एफर्ट्स किए हैं कि अपने परफॉर्मेंस के थ्रू जो रियलिटी है उसका भी एक अंग, समाज का एक अंग, वो अंग लोगों के सामने लाओ। तो ज़रूर देखिएगा फिल्म ब्लैक फिल्म। थैंक यू सो मच। मैंने से आपके बारे में डिस्कशन में Thank you.
आप खुद ही बोल दो क्या क्या आप लोग के मन में। जी आज रक्षाबंधन का दिन है और मैं दामोदर राव संगीतकार, आज बड़ी ही खुशी का दिन है, पावन दिन है। आज M4U स्टूडियो में दिलीप जायसवाल निर्मित फिल्म तुझको अल्लाह रखे राम है, तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे, इसके निर्देशक और लेखक हैं संतोष मिश्रा जी। और बड़ा ही सुंदर दिन आज जो है रक्षाबंधन का दिन, भाई बहनों का प्यार है, कच्चे धागों का ये त्यौहार है, तो सारी बहनें भाइयों के कलाई में आज राखी बांधेंगी अपनी रक्षा के लिए। तो मैं इस फिल्म के लिए तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे मैं हार्दिक शुभकामना दूंगा कि ये फिल्म का आज जो मुहूर्त हो रहा है M4U स्टूडियो मुंबई अंधेरी में, जिसके संगीतकार हैं हमारे परम आदरणीय मित्र कहिए मधुकर आनंद जी, मैं उनको भी हार्दिक शुभकामना दूंगा। और इस फिल्म के पीआरओ हैं हमारे करीबी मित्र संजय भूषण पटियाला जी, सारे कलाकार यहाँ पे लोग आए हुए हैं, फिल्म के इंदु सोनाली जी आई हैं और नताशा जी आई हुई हैं, चारू शर्मा जी आई हुई हैं, काफ़ी कलाकार आए हुए हैं, सुशील सिंह एक्टर जो आए हुए हैं। तो गाने तो जो होगा सो दिया जाएगा, गाने तो मधुकर आनंद जी का है संगीत, हम इनवाइट हैं। तो मेरी शुभकामना फिल्म के लिए है कि फिल्म बहुत अच्छा बने और सुपर हिट हो, बस मैं यही कहना चाहूँगा। नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि के बाद 3 साल के बाद वापसी किया इन्होंने फिल्म में, और फिल्म की शुरुआत आज इन्होंने यहाँ से किया है जहाँ से देवरा बड़ा सतावेला किया था। ये लकी मानते हैं M4U स्टूडियो को, और मैं खुद अपने आप में खुद एक लकी हूँ जो मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है और बड़े लोगों के साथ एक बड़े स्टाइल में आने का मौका मिल रहा है। अभी मेरे कैरेक्टर के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, अभी संतोष जी बहुत जल्द यहाँ पर आने वाले हैं, वो अब संतोष मिश्रा जी किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, आप तो खुद जानते ही हैं, अभी वो बताएंगे आपको सारी चीज़ें डिटेल में। दिलीप अंकल का शुरू से स्टाइल रहा है कि अपने गानों पे बहुत मजबूती रखते हैं वो, और अपने गानों से ही चीज़ों की शुरुआत करते हैं, और पिछले बार की तरह भी इस बार भी वो गानों से ही शुरू कर रहे हैं। मधुकर आनंद जी का एक अपना एक अलग स्टाइल है, और हमारे दिलीप अंकल के साथ उनका बहुत ट्यूनिंग जमता है, दोनों अच्छी चीज़ निकालते हैं बाहर, तो यही सोच रख कर के आज वापस उन्होंने शुरू किया। सुजीत तिवारी हमारी खुशनसीबी है कि सुजीत तिवारी जैसे बड़ी हस्ती हमारे साथ जुड़ना, मतलब दिलीप अंकल के साथ हाथ मिलाया है इन्होंने कम्बाइन फिल्म में, और साथ में बड़ा कुछ करने का प्लान चल रहा है उन लोगों का। थैंक यू। Thank you.
आज तो फिल्म का महारत जगह तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे।